वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आज की वीडियो में मैं आपको न्यू बॉर्न की इम्पोर्टेंट शॉपिंग लिस्ट बताऊंगी जो मैंने अपने बेटे के लिए की थी। तो आइए जी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फीडर के। फीडर मैंने दो लिए थे, एक इस साइज का लिया था और एक बड़ा इस साइज का लिया था। एक महीने तक तो इतना सा फीडर इसके लिए काफी रहा। स्टार्टिंग में मैं इसे 1 पाउंड देती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वांटिटी में इंक्रीज करती थी। और जो फॉर्मूला मिल्क मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था वो था लैक्टोजन। मैं इसे दिन में 1 या 2 बार ही देती हूँ ताकि फीडर से यूज टू रहे। वैसे ये फॉर्मूला मिल्क मेरे बेटे को भी सूट किया है, लेकिन इसे इसका टेस्ट इतना पसंद नहीं है। मर्जी हो तो वह पी लेता है, ना मर्जी हो तो मैं पी लेती हूँ। उसके अलावा जो चीज आ जाती है, मैंने मंगवाई थी लेकिन वो काम नहीं आई, वो है चूसनी। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो हर टाइम रीहिंग करते रहते हैं, मेरा बेटा कोई शुक्र है फिजूल का तंग नहीं करता, इसलिए ये नहीं पड़ रहा है। पैंपर्स की मैं मोल्पिक यूज करती हूँ, इससे इतना रैशेस का मसला नहीं होता। पैंपर तो पैंपर ही है, इसलिए रैशेस के लिए मैं मदर केयर का जो गो रैश पाउडर है ये स्किन फ्रेंडली है और वो सूट करता है बच्चों की स्किन के लिए, ये यूज करती हूँ। उसके बाद अपॉइंटमेंट है मसाज, मैंने अपने बेटे के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट कर दी थी। मसाज से ये होता है बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं। मसाज में मैं इस टाइम पे करती हूँ जब उसकी नींद भी पूरी हुई हो और वो भूखा भी ना हो। मसाज के लिए मैं ज्यादातर आलमंड ऑयल यूज करती हूँ। तो उसके अलावा छोटे बच्चों को गैस का बहुत इशू रहता है, इसके लिए मैं कोलिक्रॉप यूज करती हूँ। और उसके अलावा उसके पेट में मैं कैस्ट्रोल ऑयल की मालिश करती हूँ। चीज है वो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए बहुत जरूरी है, वो है नेल। लोग बच्चे के जो नेल हैं वो सीजर वगैरह से काटते हैं, लेकिन जो न्यू मॉम्स हैं उन्हें मैं नेल कटर ही सजेस्ट करती हूँ। इससे नेल काटने में बहुत आसानी होती है और कोशिश करें जब बच्चा आते हैं।